एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बैनर को जो कि अचानक से जिकी के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे जिकी घायल हो जाता है। और यहाँ पे बैनर कह देता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे और कितनी देर इससे लड़ना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हार चुका है, अगर मैं इसे और ज्यादा लड़ा तो यंग मास्टर की जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। ये सुन के सभी लोग इसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। पर तभी यहाँ पे जिकी इसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, इस बॉडी के साथ मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं जी सकता, पर बैटल में तुम असलियत में लड़ते हो। और ये इसके ऊपर हमला कर देता है, और इससे पहले ये इसके हमले को भाप पाता यहाँ पे जिकी इसके मुंह पे मिट्टी गेर देता है, जिस वजह से यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। ये यहाँ पे इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर जिकी इसे नीचे गिरा देता है और इसके गर्दन पे अपनी तलवार लगा देता है। ये इसे कहता है कि तुम एक कावड़ हो। ये कहता है कि तुम कावड़ कह के असली बैटल में इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, असली बैटल में अब तक तुम्हारी गर्दन उड़ जाती। ये फिर यहाँ पे सरेंडर कर देता है। जिकी फिर इसे कहता है कि तुम्हें पता आज तुम क्यों हारे, क्योंकि तुम एरोगेंस थे और साथ ही साथ रिकलेस भी, और इसी चक्कर में तुम जिस फैमिली को सर्व करते हो तुम उसी के सबसे बड़े बेटे को मार देते। अगर इस चीज को तुम याद रखोगे तो आगे जाके जरूर से तुम और ज्यादा ताकतवर बनोगे। और इसी के साथ जिकी इस मैच को जीत जाता है। पर सभी लोग इसे कहते हैं कि यंग मास्टर ने चीटिंग की है, उसने बाइनर के मुंह पे यहाँ पे मिट्टी फेंका है, पर यहाँ पे इसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये कहता है कि ये लोग चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं पे यहाँ जिकी के फादर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार जिकी ने मैजिक टेक्निक कहाँ से सीखी। यहाँ पे उसके सर्वेंट इसे बताते हैं कि जिकी मैजिक के साथ ही पैदा हुआ है। वही ग्रीक सोच रहा होता है कि आखिरकार जिकी ने बाइनर को कैसे हरा दिया, ये इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पे जिकी इसे कहता है कि ग्राइनर चलो ड्यूल करते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि समय और जगह मैं चुनूंगा। इनके फादर इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। जिकी इसे कहता है कि फादर भोले बनने की कोशिश मत करिए, मुझे पता है कि ग्रीक ने आपको सब कुछ बता रखा है। सभी लोग यहाँ पे काफी कंफ्यूज होते हैं इनकी बातें सुनके, पर इन लोगों को ये समझ में आ चुका होता है कि फैमिली हेड बनने के लिए ये दोनों भाई एक दूसरे से मुकाबला करने वाले है। वही जिकी यहाँ पे ग्रीक को कह रहा होता है कि ग्रीक जल्दी से नीचे आओ, क्या तुम डर गए हो क्या। यहाँ पे ग्रीक काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि ग्रीक तुम आखिरकार कर क्या रहे हो, क्या तुम उस यूजलेस इंसान से डर रहे हो, वो तुमसे कभी भी नहीं जी सकता, तुम्हें उसे आखिरकार डर क्यों लग रहा है। ग्रीक फिर जिकी से लड़ने के लिए नीचे चले जाता है, पर उसे भी पता होता है कि जिकी पूरी तरह चेंज हो चुका है। तभी जिकी से कहता है कि ग्रीक आखिरकार तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, क्या तुम मेरे हमले का वेट तो नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, बड़े भाई के तौर पर मैं इस लड़ाई को पहले शुरू करूंगा। और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर ग्रीक यहाँ पे देखता है कि जिकी अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। वो सोचता है कि ये पहले वाला जिकी है, ये मुझसे कभी भी नहीं जीत सकता, मैं यहाँ पे फैमिली का हायर बनूंगा चाहे जो हो जाए। ये फिर जिकी के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। दरअसल जिकी अपनी ताकत का यूज इसलिए नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि बाइनर ने इसके ऊपर जो हमला किया उस वजह से इसका जो मैजिक है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो अगर जिकी को जीतना है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फाइट को खत्म करना पड़ेगा। ये फिर इसे कहता है, क्या तुमने कभी ब्लडी फाइट के बारे में सुना है, जहाँ पे इंसानों का खून हर जगह गिरा हुआ होता है। जिकी फिर अपने हाथ से इसके तलवार को तोड़ देता और कहता है कि अगर तुम यहाँ पे सरेंडर नहीं करते हो तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। ये फिर इसी के तलवार का यूज करके इसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है और टूटी हुई तलवार के टुकड़े को इसके कान ही एकदम नजदीक काट देता और कहता है, क्या तुम हार मानते हो। ये यहाँ पे सरेंडर कर देता है, और इसी के साथ ये वाला मैच भी जिकी जीत जाता है। ये फिर अपने फादर को कहता है कि फादर जैसे कि आपने प्रॉमिस किया था, जो इस ड्यूल को जीतेगा वो हमारे फैमिली का हेड बनेगा। पर इसके फादर इस ड्यूल को मानने से इनकार कर देते और कहते हैं कि ये मैटल ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन फैमिली हेड बनेगा। ये कहते हैं कि मुझे लगा ही था, और अगर सच कहूँ तो मुझे कभी भी वो फैमिली हेड वाला टाइटल चाहिए भी नहीं था। ये फिर अपने हाथ से उस अंगूठी को निकाल देता है जिससे ये फैमिली हेड बन सकता था, और अपने फादर की तरफ फेंक देता है। इसके फादर इसे पूछते कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो। ये इसे कहता है कि आपको दिख नहीं रहा क्या, मैं इस फैमिली को अपने हिसाब से छोड़ रहा हूँ। ये फिर यहाँ पे ग्रीक को कहता है कि इसे याद रखना कि अगर तुम्हें एक बैटल को जीतना है तो तुम्हें मौत जैसे डर को अपने दिल के अंदर से निकालना पड़ेगा। अगर तुम इस कंट्री में हर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। ये फिर उस लड़की के हाथ से उस हीलिंग पोशन को ले लेता है और खुद पी लेता है और रिकवर कर जाता है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिकी अपना सारा सामान पैक करके घर के बाहर होता है, और इसके साथ हैंस भी होता है। दरअसल कुछ देर पहले हंस को उसने पकड़ लिया था जब ये कपड़े धोने जा रहा था। उसने इसे कहा था कि तुम मेरे साथ मेरे सर्वेंट के तौर पर आ रहे हो। यहाँ पे इसके लिए मानता नहीं है, पर ये कहता है अगर तुम नहीं आना चाहते तो ठीक है, तुम यहीं पे मर सकते हो, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो फिर ठीक है। ये इसके साथ आने के लिए राजी हो जाता है। जिकी फिर इसके मुंह पे अपना सामान फेंक देता और कहता है कि उसे उठाओ, और ये ऐसे ही करता है।
दरअसल जिकी ये सोच रहा होता है कि मैंने अपने सर्वेंट को इस चीज के एक्सचेंज पे माफ कर दिया, यहाँ से वो मेरे लिए काम करेगा, मैं कितना दयालु हूँ। पर अगर मुझे इसे यूजफुल बनाना है तो मुझे इसे ताकतवर बनाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे इसे ट्रेन करना पड़ेगा। ये फिर इसे कहता है कि आज के बाद मुझे सर जिकी बुलाना। ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। ये फिर इसे पूछता है कि सर जिकी आखिरकार आपका फ्यूचर का प्लान क्या है। ये कहता है कि मेरा कोई प्लान फिक्स नहीं है, अभी तो हम अपनी नेबरिंग टेरिटरी पॉटी के वहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाती है, क्योंकि ये लाइफ में अब शांति से बिताना चाहता हूँ। ये दोनों फिर जंगल के रास्ते से जाने लग जाते हैं तो अंश से पूछता है कि आखिरकार हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, ये जगह ह्यूमंस के लिए नहीं बनी है। ये कहता है कि अगर हम ह्यूमंस वाले रास्ते से जाए तो हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और ये मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। पर हैंस कहता है कि अगर हम इंसानों के बनाए हुए रास्ते से ना चले तो मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। ये कहता है कि वही तो मैं चाहता हूँ। हंस से पूछता है कि आपका मतलब क्या है, पर ये इसके सवाल का जवाब नहीं देता। ये लोग फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं और थोड़ा आगे चलने के बाद जिकी यहाँ पे हंस को अपनी तलवार पकड़ा देता और कहता है कि पीछे देखो, और ये देखता है कि इसके पीछे एक गोब्लिन होता है। हंस फिर यहाँ पे जिकी को कहता है कि सर जिकी मुझे नहीं पता कि स्वॉर्ड कैसे चलाया जाता है, पर कम से कम आप मुझे एक बड़ी स्वॉर्ड तो दे ही सकते है ना। ये कहता है कि अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि मैंने तुम्हें एक स्टिक नहीं दी। इसके बाद ये गोब्लिन इसके ऊपर हमला कर देता है और ये काफी देर लड़ने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। जिकी इसे देखे समझ आता है कि इसे ट्रेन करने में अभी काफी समय लगेगा इसे। इसके बाद ये इस गोब्लिन को एक जोरदार पंच मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। जिकी फिर से कहता है कि आखिरकार मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आप ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो। ये कहता है कि तुम वीक हो इसलिए, तुम सामान उठाते हुए हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते, तो तुम्हें कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। ये फिर इसे पोशन दे देता और कहता है कि ये पोशन पी लो, कुछ देर के बाद वो गोब्लिन दोबारा से उठ जाएगा और तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हैंस यहाँ पे काफी सारे पोशन को पी चुका होता है और इस गोब्लिन से लड़ने के लिए तैयार होता है। और वो गोब्लिन जब इसके ऊपर हमला करता है, ये इसके हमले को सहने में कामयाब हो जाता है। और जब वो गोब्लिन दोबारा से हमला करता है तो उसके हमले को डॉज कर देता है और इसके पीछे से इसके ऊपर हमला करके इस गोब्लिन को मार गिराता है, जिससे हैंस काफी ज्यादा खुश होता है। जिकी यहाँ पे इसे और पोषण देता और कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया है। ये कहता है कि आपका शुक्रिया सर, पर कुछ ही देर में इसकी खुशी गायब हो जाती है और वो पोषण की बोतल को नीचे गिरा देता है क्योंकि इसके सामने काफी सारे गोब्लिन आ चुके होते हैं। यहाँ पे ये सोचता है कि आखिरकार अब ये लोग क्या करेंगे। जिकी यहाँ पे कुछ पत्थर को उठा लेता है, ये इसे पूछता है कि आखिरकार आप इसके साथ करने क्या वाले हो। जिकी उन पत्थरों का यूज करके इन गोब्लिन के ऊपर हमला कर देता है और ये गोब्लिन यहाँ पे मारे जाते हैं। इससे हंस काफी ज्यादा शौक होता है तो यहाँ पे जिकी इसे कहता है कि तुम शौक हो गए क्या, अभी तो ये सब शुरुआत है। ये कहता है कि आपका मतलब क्या, ये शुरुआत है। ये यहाँ पे पीछे देखने के लिए कहता है इसे और इसके पीछे यहाँ पे और उसका पूरा झुंड होता है। जिकी इसे कहता है कि घबराओ मत, मेरे पास काफी सारे पोषण है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले। हमें फिर कुछ देर बाद रात को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग गोब्लिन्स और ऑर्क को मार के यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हंस सो चुका होता है पर जिकी कुछ और ही सोच रहा होता है। हमें फिर कुछ समय पहले दिखाया जाता है जहाँ पे जिकी हंस से पूछता है कि आखिरकार फ्लोरल हमेशा तुम्हारा साइड क्यों लेती है, आखिरकार तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। ये कहता है कि दरअसल मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मैडम फ्लोरल की नैनी थी, शायद इसी वजह से वो हमेशा मेरा साइड लेती है। ये कहता है कि अगर देखा जाए तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरी मदर हमेशा से एक यंग सर्वेंट को बुली किया करती थी क्योंकि वो ग्रैंड सन था उस नैनी का जिन्होंने लेडी फ्लोरल को यहाँ पे बड़ा किया है, और वो और कोई नहीं वो हैंसी था। ये फिर इसे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी मदर कैसी थी। ये कहता है कि हाँ वो काफी अच्छी थी, वो हर किसी से अच्छे से बात किया करती थी जबकि इन सब का उल्टा होता है। जिकी की मदर बिना बात के किसी को भी पनिश कर दिया करती थी, साथ ही साथ उसके पति के साथ भी उसकी बनती नहीं थी, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया करती थी और उसी की हरकतों की वजह से जिकी को भी ये सारी चीजें सहनी पड़ी और इस वजह से यहाँ पे जिकी को अब उनके लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है। तभी यहाँ पे इसे कैरेज की आवाज सुनाई देती है और ये हंस को उठाता है। ये कहता है कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों उठाया। ये कहता है कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। हंस कहता है क्या वो कोई गोब्लिन या ऑर्क तो नहीं है। ये कहता है कि नहीं। तो ये कहता है कि कहीं वो मर्चेंट तो नहीं है। ये कहता है कि नहीं। मर्चेंट अपने कैरेज में काफी सारा सामान भर के ले जाते हैं और घोड़े उन्हें खींचते हैं जिस वजह से साउंड थोड़ी कम आती है, पर ये कुछ अलग लग रहा है। तो हैंस कहता है कि मुझे लगता है ये हमारी तरह ट्रैवलर्स है। ये कहता है कि वो हमारी तरह ट्रैवलर्स नहीं है, आखिरकार एक ट्रैवलर कैरेज में क्यों घूमेगा वो भी इस समय पर। तभी यहाँ पे वो लोग इसके सामने आ जाते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं ये पैलेडिन्स होते हैं। थोड़ी देर में उस कैरेज से एक लड़की बाहर आती है जो कि इन्हें कहती है कि हम डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहते हैं पर हम भी जगह पे आज कैंप करना चाहते हैं। ये लड़की करना की बिलीवर होती है, इसका नाम आइन लुविला होता है और ये करना सेंट है। इसे देख के जिकी सोचता है कि कार्विन मैन सेंट लुविना, मुझे लगा नहीं था कि मैं उसे इस तरह मिलूंगा। तब यहाँ पे एक नाइट आ जाता है जो कि इसे बताता है कि मैं वेज हूँ जो कि लेडी लुविना को सर्व कर रहा है।
जिकी इसे पिछले लाइफ से जानता है, पर वो यहाँ पे ये सोचता है कि वैसे भी इस लाइफ में मैं काफी अच्छे काम करने वाला हूँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनसे मिलना कोई बुरी बात नहीं होगी। जिकी फिर इन्हें कहता है कि मैंने सुना है कि आप यहाँ पे रहना चाहते हो, आप कंफर्टेबली यहाँ पे अपनी टेंट गाड़ सकते हो। ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद ये यहाँ पे हंस को भी इनसे मिलने के लिए कहता है, पर हंस पहले से ही लवीला के यहाँ पे होता है और वो इसका शुक्रिया कर रहा होता है यहाँ पे उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे नाइट यहाँ पे टेंट गाड़ने लग जाते हैं, पर यहाँ पे ये लोग ठीक से कर नहीं पा रहे होते हैं, तो यहाँ पे लवीला उनकी मदद करने के लिए जाने लग जाती है। पर उससे पहले हंस कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं उनकी हेल्प करने के लिए चले जाता हूँ, और वो ऐसे ही करता है। जिकी यहाँ पे ये सोचता है कि मेरे हिसाब से लवीला सचमुच काफी ज्यादा सुंदर है और शायद हीरो ने भी यहाँ पे उसे अपने पार्टी में इसी वजह से शामिल किया होगा, पर ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। तब यहाँ पे लवीला से कहती है कि मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ क्या? ये कहता है कि हाँ जरूर। जिकी फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे करने क्या आई हो? ये इसे कहती है कि दरअसल मैं यहाँ पे घूम रही हूँ ताकि मैं लोगों की यहाँ पे कहानियां सुन सकूं। जब भी मैं उन लोगों के पास जाती हूँ जिन्हें मेरी मदद की जरूरत होती है, मैं उन सभी के लिए प्रे करती हूँ ताकि उन्हें ब्लेसिंग मिल सके। ये कहते हैं ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये कहते हैं कि नहीं, गारमेंट के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। ये फिर इसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? ये कहता है कि मैं बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है? तो ये कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? ये कहता है कि किसने मुझे कहा था कि अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा, और मेरे हिसाब से तुम ही सबसे बेस्ट पर्सन हो मुझे इस चीज की एडवाइस देने के लिए। लवीला कहती है इसके काफी सारे रास्ते हैं, पर आखिरकार तुम किस चीज में अच्छे हो? ये कहता है कि मेरी ताकत है, इसी वजह से मैं भारी भरकम काम करने में काफी अच्छा हूँ। ये कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अपनी ताकत से उनकी मदद करो जिन्हें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। ये कहते ये तो काफी अच्छा आइडिया है, मैं कल से उन लोगों की तलाश में लग जाऊंगा जिन्हें मेरी ताकत की जरूरत है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लवीला को जो कि यहाँ पे शहर में घूम रही होती है। तभी यहाँ पे इसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और ये जब उस जगह जाती है तो ये देखती है यहाँ पे जिकी किसी को सता रहा होता है, जिसके बाद हमें कैफे के यहाँ दिखाया जाता है शाम को, जहाँ पे लवीला इसे कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उन लोगों की मदद करो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, पर तुम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते जो बुरे लोग है। ये कहता है कि मुझे उन्हें देख के लगा कि उन्हें मदद की जरूरत है। तो ये कहती है कि आज से सिर्फ उन लोगों की मदद करना जिन्हें तुम्हारी असलियत में मदद की जरूरत और जो कमजोर हो। जब तुम एक अच्छे इंसान को मारते हो तो तुम्हें उनसे माफी मांगना चाहिए। पर याद में कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम सुद है और आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ये फिर इन्हें बताता है कि आखिरकार इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ। वो लोग यहाँ पे सीरन ट्रेडिंग हाउस के यहाँ से थे, उन्हें ये शॉप चाहिए किसी भी हाल में, इसी वजह से वो लोग मुझे मार रहे थे। उन्होंने मेरे को पैसे दे के उनका मुंह भी बंद करवा दिया। उनके लिए ये कोल्ड शॉप हो सकती है, पर मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की मेमोरी से जुड़ी हुई है और मैं किसी भी हाल में इसे उन्हें नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता आज के बाद मैं क्या करूंगा। लवीला इसे कहती कि घबराओ मत, मैं खुद यहाँ पे पॉटी के मेयर से मिलने के लिए जाऊंगी और इन्हें समझाऊंगी। यहाँ पे पैलेडिन ने इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि लेडी लवीना कार्विन मैन जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लवीला इसे कहती कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है और मैं लेडी करना की टीचिंग को नहीं भूल सकती, मैं इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगी, मैं खुद से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और लवीला इस कैफे से निकल जाती है ताकि वो यहाँ पे मेयर से मिल सके। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिकी और हंस को। यहाँ पे हंस इसे पूछ रहा होता है कि तुम्हें देख के मुझे लग रहा है तुम गुस्से में हो, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? ये इसे बताता है कि लवीला ने कल हमें कहा था कि कमजोरों की मदद करो और वो काफी ज्यादा सीरियस थी, पर मुझे लग रहा है कि वो कुछ मिस्टेक कर रही है। ये सोचता है कि तुम मिस्टेक कर रहे हो ना कि लवीला। ये फिर इसे कहता है कि मैं थोड़ा कंसर्न हूँ क्योंकि कल वो शायद वापस भी नहीं आए थे। तभी ये लोग देखते हैं कि एक जगह लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक वांटेड का पोस्टर जारी होता है और ये एक लड़की होती है जिसने वाइस मेयर को मार दिया होता है। जिकी जब इस पोस्टर को ध्यान से देखता है तो ये लवीला की फोटो होती है, जिसे देख के वो काफी हैरान होता है। यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि जब से वो विच यहाँ पे आई है तब से इस सिटी के बुरे हाल चालू हो चुके हैं और इससे पहले यहाँ पे सूरज ढल जाए हम सबको घर चले जाना चाहिए। ये सब फिर यहाँ पे डर के घर के यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे सन्नाटा हो जाता है। कुछ ही देर में यहाँ पे रात हो जाती है और यहाँ पे जिकी सोच रहा होता है कि ये इंसिडेंट पिछली बार तो नहीं हुआ था। लवीला एक मर्डरर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं थी पिछली बार, जैसे कि कर्स या फिर लवीला ने किसी को मार दिया। यहाँ पे कुछ तो अजीब चल रहा है, ऐसा लगता है कि जब मैं लवीला से मिला सब कुछ यहाँ पे चेंज हो गया। तभी हैंस इसे यहाँ पे कहता है कि मुझे लगता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है और ये एक अंडेड होता है, पर इससे पहले वो इनके ऊपर हमला करता जिकी इसकी गर्दन काट के इसे मार गिराता है। हंस ये देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोचता है कि आखिरकार एक अंडेड पॉटी में क्या कर रहा है। ये कहता है कि हाँ मुझे ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये लोग फिर अंडेड की बॉडी यहाँ के वॉरियर्स को थमा देते हैं और वॉरियर इन्हें कहता है कि तुम दोनों को घर पहुंच जाना
करना चाहिए। इससे पहले वो विश तुम्हें कर्ज दे और तुम्हें मार गिराए। यहाँ पे हैंसी से पूछता है कि सर जिकी, क्या आपको भी लगता है कि लेडी लोवीना एक विच है? ये कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं श्योर हूँ कि किसी ने उसे यहाँ पे फंसाया है और असली कल्प्रिट कोई और है। हैंसी से पूछता है कि आप ये श्योर होके कैसे कह सकते हो? ये कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो उसके चेहरे पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो काफी अच्छे इंसान है। तभी यहाँ पे जिकी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और ये देखता है कि लेडी लवीना होती है। ये से पूछता है कि आखिरकार ऐसी हालत में तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये लोग फिर यहाँ पे एक लॉज के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे लवीना अपने कपड़े चेंज कर लेती है। ये से कहता है कि तुम इसमें कंफर्टेबल तो हो ना? ये कहती कि हाँ। ये फिर इसे बताता है कि हंस हमारे लिए खाना लेने गया है। ये इसका शुक्रिया करती है, जिसके बाद ये से पूछता है कि आखिरकार पैलेडिन्स कहाँ पे है, या वो लोग किसी दूसरे मिशन पे गए है? ये इसका जवाब नहीं देती तो ये पूछता है कि क्या हुआ? ये कहती कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से वो लोग वहाँ पे फंस गए। ये कहता है कि कहीं ये सब इससे तो जुड़ा हुआ नहीं है? ये कहती कि नहीं, मैं एक विच नहीं हूँ। जिकी कहता है कि हाँ मुझे पता है। ये कहती कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो? ये कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसी चीज नहीं कर सकती हो, तो प्लीज मुझे सारी सच्चाई बताओ, जब हम दोनों अलग हो गए थे तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? और यहाँ से कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। इस पार्ट में हमने 4 से 8 चैप्टर तक एक्सप्लेन किया गाइस, और आगे भी काफी सारे चैप्टर आने वाले हैं। टोटल में मैं और 3 वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसके बाद 20 चैप्टर खत्म हो जाएंगे और ये मानवार रेगुलर हो जाएगी, मतलब हफ्ते में 1 या 2 चैप्टर रिलीज होंगे जिसकी मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। आपको कहानी कैसी लगी, कैसी नहीं प्लीज कमेंट बताना मत भूलना, और होपफुली आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस लाती रहूं। और हां, सेकंड चैनल पे भी मैं काफी सारी वीडियोस डाल रहा हूं, होपफुली आपको वो भी वीडियोस पसंद आ रही होगी। उस पे मैं काफी सारी और भी लाने वाला हूं, इस पे भी आ रही है, मतलब थोड़ा कम आ रही है, पर डाल रहा हूं इस पे वीडियोस। आपको वीडियोस कैसी लग रही है, कैसी नहीं प्लीज गाइस कमेंट बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।